हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की एक एनिमल की स्टडी पर है, जिसका नाम ब्रैंकियोस्टोमा है। ब्रैंकियोस्टोमा इज आल्सो कॉल्ड एम्फियोक्सिस एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस एनिमल इज लैंसलेट। इसको हम लोग लैंसलेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनिमल दोनों तरफ से जो है नुकीला होता है, छुरी के जैसा होता है। सो इट इज़ कॉल्ड लैंसलेट एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एम्फियोक्सिस। Amphi means both, oxus means sharp। ऐसा एनिमल जिसके दोनों इंड शार्प हों, उस एनिमल उसका उसको हम लोग एम्फियोक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एम्फियोक्सिस आपका एनिमल है जो कि डॉर्सल व्यू है, और ये आपका एम्फियोक्सिस एनिमल इसका वेंट्रल व्यू है। डॉर्सल व्यू में हम देख रहे हैं कि ये एनिमल दोनों तरफ से शार्प है, पोस्टीरियरली और एंटीरियरली दोनों तरफ से शार्प है, नुकीला है, इसीलिए हम लोग इसको एम्फियोक्सिस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जर्मन जूलॉजिस्ट पलास ने 1778 में इसको लाइमेक्स लैंसिलोटस नाम दिया था। इन्होंने इसको लाइमेक्स लैंसिलोटस नाम इसलिए दिया था बिकॉज इन्होंने इस एनिमल की जो एनिमल का स्टडी किया, उसको इसको कंपैरेटिवली समझा एक मोलस्का के, दैट स्लग मोलस्का के कंपैरेटिव इसको समझा और इसको नाम दिया लाइमेक्स लैंसिलोटस। इसके बाद अगेन एक इटालियन जूलॉजिस्ट थे कोस्टा, 1834 में कोस्टा ने इसके जो है कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जो है वेरीफाई किया। कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हुए इन्होंने इसको जो है कॉर्डेटा में रखा और नाम दिया ब्रैंकियोस्टोमा लैंसिलोटम। इसके बाद आफ्टर टू ईयर येरल नाम के जो है साइंटिस्ट आए। येरल ने इसके जो है शार्प नेचर को देखते हुए, बोथ एंड के शार्प को देखते हुए इसको एम्फियोक्सिस नाम दिया। एम्फी मीन्स बोथ, ऑक्सिस मीन्स शार्प, मतलब ऐसा एनिमल जिसके दोनों एंड शार्प हो, इसलिए हम लोग इसको लैंसिलेटस मतलब छुरी के समान दिखने वाला एनिमल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब इसके हैबिट एंड हैबिटाट को देख लें, सिस्टमेटिक पोजिशन को देखें, उसके बाद इसमें पाए जाने वाले एपर्चर को देखेंगे हम, देन फोल्ड्स एंड फिन के बारे में स्टडी करेंगे, और सबसे लास्ट में हम इसके मसल और स्किन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन को जानें। तो सिस्टमेटिक पोजीशन, फाइलम कॉर्डेटा, इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है बिकॉज इट हैज़ थ्री मेन करेक्टर जो है इसके पास, जो कॉर्डेटा में होते हैं वो तीनों जो है करेक्टरिस्टिक फीचर इसके पास प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम इसको कॉर्डेटा में कंसिडर करते हैं इस एनिमल को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्रिंट ऑफ कॉर्डेटा बिकॉज इट हैज़ डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड जो है बीनीथ द नर्व कॉर्ड जो है आपका नोटोकॉर्ड विच इज प्रेजेंट फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल। इसके पास डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस है और नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है, जो कि जिसकी पोजीशन है रोस्ट्रम से लेकर के टेल तक। और तीसरा करेक्टरिस्टिक फीचर, इसके पास परफोरेटेड गिल स्लिट्स की प्रेजेंस है, इसीलिए ये तीनों कॉर्डेट करेक्टर इसके पास थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट हैं, और तीनों करेक्टर पूरी ज़िंदगी भर प्रेजेंट होने के कारण हम इस एनिमल को जो है, या इस सब फाइलम के एनिमल को हम कॉर्डेटा का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो हायर कॉर्डेट है उसमें भी आपका जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो है कुछ एनिमल के पास गिल स्लिट्स नहीं बचेंगे, रूडिमेंट्री हो जाएंगे, लेकिन इसके पास वो तीनों चीज़ें जो एक कॉर्डेट जो है एनिमल में होनी चाहिए थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम इसको कॉर्डेटा का ब्लूप्रिंट कहते हैं। फाइलम कॉर्डेटा हो गया। नेक्स्ट ग्रुप ए क्रैनिएटा, हमने इसको ग्रुप ए क्रैनिएटा में रखा है बिकॉज इसके पास हेड की अब्सेंस होती है, और हेड जो है अब्सेंस होने के बाद इसके पास क्रेनियम बॉक्स नहीं होता है, जो कि ये हमारा क्रेनियम, इट इज़ कॉल्ड क्रेनियम द हार्ड कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड क्रेनियम। तो इसके पास क्रेनियम की अब्सेंस होती है, इसीलिए हम जो है इस एनिमल को ग्रुप ए क्रैनिएटा में रखते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है क्लास। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा है उसमें सिंगल क्लास पाई जाती है, जिसको हम लोग लैपिडोकॉर्डी बोलते हैं, एंड अ सिंगल फैमिली दैट इज ब्रैंकियोस्टोमिडी, एंड देयर आर टू जेनरा, ब्रैंकियोस्टोमा दैट इज कॉल्ड एम्फियोक्सिस,
और नेक्स्ट आपका जो जेनरा था दैट इज एसिमेट्रॉन। दोनों में बस मैंने आपको एक अंतर बताया था कि ब्रेंकियोस्टोमा के पास जो गोनैड्स होते हैं वो न्यूमरस गोनैड्स ऑन बोथ साइड, लेफ्ट और जो है राइट दोनों साइड में जो है गोनैड्स पाए जाते हैं, और एसिमेट्रॉन में केवल राइट साइड में गोनैड पाए जाते हैं। अब हमने इसके सिस्टमैटिक पोजिशन को देख लिया। सिस्टमैटिक पोजिशन के बाद नेक्स्ट आपका है हैबिट एंड हैबिटाट। तो हम इसके पहले हैबिटाट के बारे में जानेंगे। तो मेनली ये हमारे जो है गर्म समुद्रों में पाया जाता है। इट इज़ कॉस्मोपॉलिटेंट इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब ऐसा एनिमल जो सभी जगह पाया जाए, थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये सभी जगह प्रेजेंट हो, इट इज़ कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटेंट नेचर। और कॉस्मोपॉलिटेंट नेचर के होने के साथ साथ ये ज़्यादातर गर्म जो है सी में, गर्म समुद्रों में पाए जाते हैं, मेडिटेरियन सी में पाए जाते हैं, स्पेशली इन चाइना, इन जापान और इंडिया में। उसके बाद हम देखेंगे इसकी हैबिट के बारे में। तो हैबिट में दिस एनिमल इज बरोइंग इन नेचर एंड जो है लीड्स टू द ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। ये एनिमल बरोइंग नेचर का होता है, मीन्स खुदाई करके रहता है, खुदाई करता है रेत में, और ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ को फॉलो करता है। ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ का मतलब कि ये सेडेंट्री भी होता है और फ्रीली मूव भी कर सकता है। सेडेंट्री जब ये एनिमल रहता है तो ये अपने पूरी बॉडी को, जो इसका जो है पोस्टीरियर इंड, केवल एंटीरियर इंड को ये सैंड के ऊपर, इस तरीके से आप देखेंगे फिगर में, तो ये एंटीरियर इंड को केवल बाहर निकाल करके रखता है और पूरा इसका जो पोस्टीरियर इंड होता है वो रेत के अंदर धंसा होता है। केवल जो ये एंटीरियर इंड है इट प्रोजेक्टेड आउटसाइड इन द सैंड, केवल ये है ऑन द सैंड, केवल ये प्रोजेक्ट आउट होता है। और जब भी हम इस और जैसे ही आपका नाइट या डस्क का समय होता है, शाम का समय जो है होता है, तो ये एनिमल अपने बरों से निकल करके जो है इजेक्ट आउट होता है, जंप होता है इन द सी वाटर, और सी वाटर में जा करके ये फ्री मूव करता है। या जब ये एनिमल इस तरीके से एंटीरियरली जो है सी खड़ा हुआ है सैंड के ऊपर अपने एंटीरियर पोर्शन को निकाल करके, और सपोज इसको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया या किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो गया, तो इट इजेक्ट आउट, ये बिल्कुल एक झटके से इजेक्ट, बिल्कुल झटके से इस तरीके से जो है निकलता है और सी वाटर में आकर के कूद जाता है, और सी वाटर में ये आपका जो है वो फ्री मूव करता रहता है। सी वाटर में मूव करने के बाद अगेन ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से उल्टा आप देखेंगे तो ये इसका रोस्ट्रम वाला भाग है, ये एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट, और उल्टा ये बिल्कुल जो है ये ऐसे, सपोज ये ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे जो है ये एंटीरियर एंड को निकाले, झटके से ये पानी में गया और अगेन बिल्कुल इसी तरीके से अपने एंटीरियर एंड को ऐसे नीचे करते हुए समुद्र के अंदर घुस, रेत के अंदर घुस जाता है, और फिर एक यू टर्न करके, फिर एक यू टर्न मार करके फिर एंटीरियर आकर के खड़ा हो जाता है। होप सो आपको बात समझ में आई होगी। हम इसको एक बार फिर से देखेंगे। सपोज आपका एंटीरियर एंड को प्रोजेक्ट आउट करके यहाँ पे बक्कल सीरी ये एनिमल जो है सैंड के ऊपर खड़ा हुआ है, अब इसको कोई भी डिस्टरबेंस फील होता है तो ये सैंड से जो है जा करके पानी में फ्री मूव करने लगेगा, और जब दोबारा ये सैंड में जो है बरो करेगा तो अब बरो करते समय जो इसका रोस्ट्रम वाला पार्ट है, यानी जो सिरी वाला पार्ट है, वो नीचे की तरफ जाएगा और फिर ये यू टर्न लेकर के दोबारा रोस्ट्रम पे ऊपर आकर, दोबारा अपने रोस्ट्रम की सहायता से जो है बरो करता हुआ फिर अगेन यू टर्न मार करके इस तरीके से फिर ये समुद्र में ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट आउट, अपने एंटीरियर पोर्शन को प्रोजेक्ट आउट करके खड़ा हो जाएगा। तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ड्यू टू दिस नेचर सेडेंट्री एंड फ्री मूविंग, दोनों नेचर की वजह से हम इस एनिमल को बोलते हैं कि इट लीड्स टू द ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। अब हम बात करेंगे इसका एनिमल के मॉर्फोलॉजी को देखेंगे और समझेंगे कि इसके पास जो है मॉर्फोलॉजिकली ये कैसा दिखता है। तो मैंने आपको बताया ये डॉर्सल व्यू है ऊपर, और ये नीचे वाला आपका वेंट्रल व्यू है। ये आगे का जो इसका ये स्नाउट होता है, ये आगे वाला हिस्सा, इट इज कॉल्ड रोस्ट्रम, और इसी रोस्ट्रम के नीचे जो है इसका ये बक्कल जो है माउथ की प्रेजेंस होती है, जिसको हम लोग ओरल हुड बोलते हैं। तो इट इज इसके पास जो है कुछ ये सीलिया जो है प्रेजेंट होते हैं, दैट सीलिया इज कॉल्ड जो है बक्कल सीरी, इसको हम लोग बक्कल सीरी भी कहते हैं। तो जो आपका वाटर होता है सी वाटर इंटर फ्रॉम द माउथ एंड इट गोड्स जो है ये आपके
फेरिंग्स रीजन में जाता है और फेरिंग्स रीजन के बाद एट्रियोपोर से जो है निकल के आ जाता है एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एट्रियल कैविटी। तो जो आपकी ये फेरिंग्स कैविटी है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एट्रियल कैविटी। अगेन आप ध्यान से सुनिएगा, सी वाटर जो है माउथ से इंटर किया और कंटिन्यूसली ये माउथ जो है पानी इंटर करता रहता है और इंटर करने के बाद जो है ये एट्रियोपोर से इजेक्ट आउट होता रहता है। तो जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, डायएटम्स, आपके प्रोटोजोअन्स, स्मॉल प्रोटोजोअन, उनको ये फीड करता है। और जो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे तो सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मीन्स में जो आपका इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल होता है। और जो भी गैमीट होते हैं वो पानी में ही यहाँ पे एट्रियोपोर में जो है आपके एट्रियम में जो है इजेक्ट आउट कर दिए जाते हैं और एट्रियोपोर से आपका जो है स्पर्म, ओवा, ये सब कुछ जो है एट्रियोपोर से जो है एक्सटर्नल वाटर में आ जाता है। एंड अब हम बात करें जो है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट वाई ए लार्वा, वाया लार्वा में जो है डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अब देखेंगे नेक्स्ट डिवीज़न ऑफ बॉडी, डिवीज़न ऑफ बॉडी। तो इसकी बॉडी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ट्रंक, सबसे पहला पार्ट है ट्रंक, दूसरा पार्ट है टेल। तो आइए हम इसमें टू रीजन है, ड्यू टू द लेक ऑफ हेड, हेड के ना होने की वजह से हम इसकी जो बॉडी को दो भागों में बांटते हैं, ट्रंक एंड टेल। तो आइए हम इसकी बॉडी के बारे में देखते हैं। तो द ब्रेंकियोस्ट्रोमा इज इलोंगेटेड फिश लाइक स्ट्रीम लाइन बॉडी। अगर हम बात करें तो जो ब्रेंकियोस्ट्रोमा की बॉडी है वो इलोंगेटेड है, फिश लाइक, कुछ फिश की जैसी इसकी बॉडी है। एंड इट इज़ वाइटिश और ट्रांसपेरेंट, ये जो है वाइटिश और ट्रांसपेरेंट होती है। और इसके ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें इसके जो मायोटोम्स हैं, मीन्स जो मसल्स हैं, मसल्स की जो आपका सेगमेंटेशन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मसल्स में, और हमें गोनाइड जो है वो बाहर से ही दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रंक रीजन की, तो इसका ट्रंक रीजन फ्रॉम माउथ टू आपका एनस तक, ध्यान से देखिएगा, हम इसके ट्रंक रीजन की बात करेंगे तो ये आपका रोस्ट्रम से लेकर के एनस तक ट्रंक रीजन होता है। और बहुत ही थोड़ा एनस के पीछे टेल, टिल एंड तक, अगर यहाँ से हम बात करें तो ये इसका एनस की ओपनिंग है और एनस से लेकर के जो है ये वाला हिस्सा जो है ये लिटिल बिट, ये आपका जो केवल इतना हिस्सा है फ्रॉम एनएस टू एंड, ये आपका टेल कहलाता है। और रोस्ट्रम से लेकर के एनएस तक का वाला हिस्सा आपका ट्रंक कहलाता है। तो होप सो आपको इसके बॉडी का डिवीजन समझ में आया होगा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लार्ज पार्ट इज ट्रंक एंड जो है स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड टेल। अब हम इस पे बात करेंगे आपका नेक्स्ट एपर्चर की, एपर्चर्स। तो देयर आर थ्री एपर्चर प्रेजेंट इन द ट्रंक रीजन इन दिस एनिमल। इस एनिमल में केवल ट्रंक रीजन में अगर हम बात करें तो केवल तीन एपर्चर पाए जाते हैं। सबसे पहला एपर्चर जो है वो आपका माउथ है। तो हम सबसे पहले माउथ के पोजीशन की बात कर लें, तो द माउथ इज एंटीरियो वेंट्रल, द माउथ इज एंटीरियो वेंट्रल, मीन्स इसका जो माउथ सिचुएटेड है, माउथ की जो ओपनिंग है वो एंटीरियर साइड में है और कुछ वेंट्रल साइड में है। तो सपोज आप मेरे हाथ को जो है ब्रेंकियोस्ट्रोमा अभी कंसीडर करें, तो ये जो ब्रेंकियोस्ट्रोमा है ये इसका एंटीरियर रीजन है, तो माउथ कहीं यहाँ नीचे की तरफ होगा, यहाँ नीचे की तरफ जो है माउथ होगा। और तो एंटीरियो वेंट्रल, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वेंट्रल की तरफ कुछ है और ये इसका वेंट्रल व्यू है। अगर हम बात करें तो ये इस एनिमल का वेंट्रल व्यू है। अगर आप इसका वेंट्रल व्यू देखेंगे तो ये दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। और जो ये चारों तरफ में ये ब्लैक कलर की कवरिंग हार्ड जो है ये मैं स्केलेटल टाइप का जो है ये कर रही हूँ मैं, ये दिस इज कॉल्ड ओरल हुड, ओरल हुड, HOOD, हुड, ओरल हुड। तो आपको समझ में आया होगा होप सो माउथ की पोजीशन। जब मैं आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तब मैं उसमें माउथ का आपको डिटेल में बताऊंगी। माउथ लीड्स इनटू द वेस्टिबुली, माउथ इसमें जो है वेस्टिबुली में लीड्स करता है, वेस्टिबुली इज आल्सो कॉल्ड आपका बक्कल कैविटी। तो इसके बाद में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका एपर्चर है एट्रियोपोर, एट्रियोपोर। तो मैंने आपको बताया
अब हम एट्रियोपोर की पहले पोजीशन देख लें, तो द पोजीशन ऑफ एट्रियोपोर इज मिड वेंट्रल, मिड वेंट्रल मतलब बीचों बीच में है और वेंट्रली सिचुएटेड है। अगर हम इस पोर की बात करें तो ये आपका वेंट्रल व्यू है, और वेंट्रल व्यू में देखिए ये आपका एट्रियोपोर है और बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने वेंट्रल साइड में ये रेड कलर से एट्रियोपोर बनाया है, और आपका ये मिड वेंट्रली होता है। इस तरीके से ये हाथ है तो वेंट्रल की तरफ ही माउथ था यहाँ पे, ये अगर हम मान लें तो ये माउथ था और बिल्कुल मिड वेंट्रल इस तरीके से बीचों बीच इसका एट्रियोपोर है। तो माउथ से वाटर इंटर किया, एट्रियल कैविटी में वाटर आता है और एट्रियोपोर से इजेक्ट आउट हो जाता है। तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, एट्रियोपोर की पोजीशन आपने डॉर्सली व्यू में भी इसको देख लिया और ये वेंट्रल व्यू में आप देख रहे हैं। तो एट्रियोपोर की पोजीशन जो है वो है मिड वेंट्रली, मिड मतलब वेंट्रल में भी मिड बीचों बीच, और माउथ की अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये एंटीरो वेंट्रल, ये एंटीरो वेंट्रल था। नेक्स्ट द थर्ड अपर्चर इज एनस, तो एनस आपका देखिए ये रहा एनस की पोजीशन, तो ये भी आपका जो है वेंट्रल साइड में होता है बट ये कुछ अंदर की तरफ खुलता है, मतलब ये बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं है, ये हम आपके एट्रियल हम इसको अगर कहें तो ये कुछ आपका एट्रियल कैविटी में ही खुलता है ये, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल है ये इस तरीके से घूम करके अगेन यहाँ से आता है और एट्रियोपोर से ही निकलता है, ये डायरेक्ट जो है आपका बाहर ओपन नहीं होता है। ये जो भी वेस्ट मटेरियल होगा ये अपना वेस्ट मटेरियल इस तरीके से घूम करके और फिर आपका एट्रियोपोर से ही बाहर आएगा। अगर सपोज आपने यहाँ पे ये एट्रियोपोर बनाया है, सपोज मैं इसकी जो है थोड़ी पोजीशन यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, ये आपका यहाँ पे एट्रियोपोर था, तो जो भी वेस्ट मटेरियल होगा इस तरीके से घूम करके इस तरीके से और फिर ये अगेन एट्रियोपोर से बाहर आएगा। तो होप सो आपको तीनों एपर्चर समझ में आए होंगे, माउथ, एट्रियोपोर और एनस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, तो पहला आपका डिवीजन ऑफ बॉडी हो गया, दूसरा आपका एपर्चर हो गया, तीसरा अगर हम बात करें इसमें तो आपका फिन्स एंड फोल्ड, फिन्स एंड फोल्ड, तो इसमें कौन कौन सी फिन्स पाई जाती हैं और कितने फोल्ड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम फिन्स की बात कर लें, तो यहाँ पे आपका जो जो भी आपके सिफेलोकॉर्डेटा के एनिमल हैं या आपका जो ब्रैंकियोस्टोमा है इसमें कोई भी पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं, तो पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट इन दिस एनिमल। केवल आपके यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीन फिन पाई जाती है, डॉर्सल फिन, कॉडल फिन और वेंट्रल फिन। तो अब हम सबसे पहले डॉर्सल फिन की पोजीशन की बात करें तो एंटीरियर से लेकर के रोस्टम वाले पार्ट से लेकर के एंटीरियर टू एनएस तक, एंटीरियर से लेकर के पूरा एनएस तक आपकी ज़्यादा चौड़ी नहीं, ये बिल्कुल अगर हम बात करें तो फ्रॉम जो है एंटीरियर टू एनएस तक आपकी जो फिन पाई जाती है इट इज थिन, काफ़ी पतली होती है और ये इट इज़ कॉल्ड डॉर्सल फिन, और डॉर्सल फिन को जो सपोर्ट करता है दैट इज कॉल्ड डॉर्सल फिन रे बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से डब्बे डब्बे नुमा जो बना रखा है इट इज कॉल्ड डॉर्सल फिन रे बॉक्स। बट अगर हम बात करें तो ये आपके फिश की तरह नहीं होता है, फिश की तरह ट्रू फिन रे बॉक्स नहीं है, केवल डॉर्सल फिन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डॉर्सल फिन रे बॉक्स पाया जाता है। नेक्स्ट आपका वाइडर, वाइडर देन डॉर्सल फिन आपका जो है जो यहीं से ही फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड आपके डॉर्सल फिन से ही पीछे की तरफ आपका थोड़ा वाइडर थोड़ी चौड़ी फिन पाई जाती है जिसे हम लोग कॉडल फिन बोलते हैं, और ये केवल आपका एनएस के पीछे टेल रीजन तक होती है, तो बहुत ही छोटी पर वाइडर चौड़ी आपकी अगर हम बात करें फ्रॉम एनएस टू टेल, टेल इंड तक आपकी जो फिन पाई जाती है उसे हम लोग कॉडल फिन बोलते हैं। और वेंट्रल फिन की अगर हम बात करें तो वेंट्रल फिन आपका एनएस से लेकर के आगे की तरफ वेंट्रल साइड में, ये आपका डॉर्सल फिन डॉर्सल साइड में था, कॉडल फिन पीछे की तरफ था। वेंट्रल फिन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम एनएस टू एट्रियोपोर, एनएस से लेकर के एट्रियोपोर तक जो फिन पाई जाती है ये आपका एट्रियोपोर है। तो ये जो मैंने अभी ये बनाया ये दिस फिन इज कॉल्ड जो है आपका वेंट्रल फिन, इसको हम लोग वेंट्रल फिन बोलते हैं, और वेंट्रल फिन को सपोर्ट करने के लिए वेंट्रल फिन रे बॉक्स पाया
जाता है। तो होप सो आपको ये तीनों फिन समझ में आई होंगी, डॉर्सल फिन, कॉडल फिन और वेंट्रल फिन। नेक्स्ट हम बात कर लें इसमें फोल्ड्स की, तो देयर आर टू फोल्ड इन दिस एनिमल। इस एनिमल में दो फोल्ड पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाप्लूरल फोल्ड। मेटाप्लूरल फोल्ड की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो इट सिचुएटेड डॉर्स जो है वेंट्रली, ये वेंट्रली सिचुएटेड होते हैं और एट्रियोपोर से लेकर के ये दो फोल्ड हॉलो फोल्ड होते हैं, एट्रियोपोर से लेकर के आपके जो है रोस्ट्रम वाले हिस्से तक ये लगे होते हैं, आपके बक्कल कैविटी रोस्ट्रम वाले हिस्से तक, ये देखिए यहाँ पे बक्कल कैविटी तक एंटीरियर तक लगे हुए हैं। तो अगर हम एक जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे एक 3D स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ब्रैंकियोस्टोमा का, आप उसको देख करके इंजॉय करिएगा और होप सो आपको ये एनिमल की पोजीशन को समझाने के लिए काफ़ी जो है उपयोगी सिद्ध होगा। तो दिस हम इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे एनिमल को, तो होप सो ये आपको एनिमल समझ में आ रहा होगा। दिस इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, ये ब्रैंकियोस्टोमा का एंटीरियर पोर्शन है। दिस इज द ओरल रोस्ट्रम, ये आपका रोस्ट्रम है जो आगे की तरफ निकल करके आया है, ये बक्कल सीरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये जो गोल तरीके से माउथ दिखाया है, ये माउथ थोड़ा सा नीचे की तरफ वेंट्रल में होना चाहिए माउथ, और जैसे ही पानी इंटर करेगा तो ये बक्कल सीरी जो है वो फूड को या जो बड़े पार्टिकल है उनको जो है नहीं जाने देगी। तो जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगी तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। अभी यहां पे आप समझिए मेटाप्लूरल फोल्ड की पोजीशन क्या मैं आपको बताना चाहती हूं। तो ये इस एनिमल का वेंट्रल साइड है एंड दिस टू हॉलो फोल्ड, एक हॉलो फोल्ड ये देखिए, एक हॉलो फोल्ड ये, तो ये आपका जो है वेंट्रल की तरफ जो है पूरा आपका एट्रियोपोर से लेकर के जो है बक्कल हुड ओरल हुड तक आया है और इट इज हॉलो, अगर आप देखेंगे तो ये हॉलो होगा। और दूसरा वाला ये है मेटाप्लूरल फोल्ड, इट इज ऑल्सो हॉलो, ये भी आपका हॉलो है, ठीक है। हॉलो मीन्स जिसके अंदर जो है जगह खाली होती है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड हॉलो। तो देयर आर टू हॉलो प्रोजेक्शन या टू हॉलो फोल्ड विच इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ दिस एनिमल इज कॉल्ड मेटाप्लूरल फोल्ड। और दो मेटाप्लूरल फोल्ड को आपस में, ये तो आपके सिचुएटेड हो गए, कैसे ये आपके सिचुएटेड हो गए, अगर हम इस एनिमल को ऐसे कर लें तो बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन है इसकी, अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनली सिचुएटेड है, ये लॉन्गिट्यूडनल सिचुएटेड है। अब दो लॉन्गिट्यूडनल, दो इट इज कॉल्ड मेटाप्लूरल फोल्ड, दो मेटाप्लूरल फोल्ड को आपस में जोड़ने के लिए इस तरीके से हॉरिजेंटली जो है आपके बैंड्स प्रेजेंट होते हैं या हॉरिजेंटली फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, इस हॉरिजेंटल फोल्ड को हम लोग ईपी प्लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो हॉरिजेंटल जो है उसको जोड़ने के लिए रेड कलर से कुछ वाइट एंड रेड, वाइट एंड रेड, वाइट कलर से ये हॉरिजेंटल मैंने फोल्ड बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड ईपी प्लूरल फोल्ड। तो होप सो आपको बात समझ में आई होगी, ये हॉरिजेंटली इसकी पोजीशन है। तो जब आप इस एनिमल को ऐसे देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड डॉर्सल व्यू एंड दिस इज कॉल्ड वेंट्रल व्यू, नीचे की तरफ वेंट्रल व्यू है। इसकी जो माउथ की पोजीशन होती है कुछ जो है एंटीरो वेंट्रल नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ आपके दो मेटाप्लूरल फोल्ड पाए जाते हैं जो कि हॉलो इन नेचर होते हैं और ये दोनों जो फोल्ड आपके होते हैं वो हॉरिजेंटली जो है बैंड से या हॉरिजेंटली फोल्ड से जो है बंधे होते हैं, जिसको हम लोग ईपी प्लूरल फोल्ड बोलते हैं। तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिन्स और फोल्ड के बारे में जान लिया, आइए हम नेक्स्ट इसको, होप सो हम लोगों ने इस एनिमल को 3D भी समझा आप लोगों ने, और ये इसका 2D फिगर था, ये डॉर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है। तो आपको मेरे हिसाब से डिवीजन ऑफ बॉडी, एपर्चर और फिन्स एंड फोल्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका है मायोटोम्स, मायोटोम्स एंड गोनैड। तो आइए हम इसके मायोटोम्स और गोनैड की पोजीशन को देखते हैं। तो अगर हम डॉर्सल व्यू में देखें, हम इस एनिमल के डॉर्सल व्यू में देखें तो आपका जो नोटोकॉर्ड से नीचे आपका यहाँ पे ये अभी यहाँ पे मैंने बताया डॉर्सल की तरफ ये नोटोकॉर्ड होगी, ये नोटोकॉर्ड। तो आपका दिस एनिमल इज ट्रांसपेरेंट वाइटिस इन कलर, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसका जो मसल का सेगमेंटेशन है तो इस तरीके से वी शेप की इसके पास मसल्स पाई जाती है एंड दिस वी शेप मसल्स
इज कॉल्ड मायोटोम्स। अगर हम इसमें से एक मसल को निकालें, एक मसल के ब्लॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, मायोटोम बोलेंगे या मायोमियर बोलेंगे, ठीक है। और ये मायोटोम्स इसमें वी शेप के होते हैं, और जो वी शेप का आपका ये एंगल है, ये वाला जो जो है पार्ट है, वी वाला पार्ट, दिस नैरोअर पार्ट, ये आपका एंटीरियर की तरफ होगा। दिस नैरोअर एंड और ब्रॉडर एंड आपका पीछे की तरफ होगा, और नैरोअर एंड आपका एंटीरियरली जो है सिचुएटेड होता है। तो इस तरीके से जो सेगमेंटेशन है, जो है आपका दिस सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मायोटोम्स, या हम लोग इसको मसल भी कहते हैं। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाला एक वीडियो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कॉर्डेट का एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स है मेटामेरिक, सुपरफिशियल मेटामेरिक सेगमेंटेशन होना। मेटामेरिक सेगमेंटेशन उनमें होता है बट सुपरफिशियल होता है। तो यहाँ पे आपके जो मसल के इस तरीके से ब्लॉक हमें दिखाई दे रहे हैं, ये मायोटोम कहलाते हैं। तो होप सो आपको इसकी ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट इज द पोजिशन ऑफ गोनैड। अब हम बात करेंगे इसके गोनैड्स की। तो जो गोनैड्स की पोजिशन है, गोनैड्स सिचुएटेड मिड वेंट्रली। अगर हम बात करें तो थोड़ा लेटरल साइड में मिड वेंट्रली, मतलब नीचे से कुछ लेटरल है और मिड वेंट्रली सिचुएटेड है। तो ये नीचे से आप इसको अगर देखेंगे तो ये आपके गोनैड की पोजीशन है ग्रीन कलर से, एंड न्यूमरस गोनैड्स आर देयर। यहाँ पे ब्रैंकियोस्ट्रोमा में अगर हम बात करें तो बहुत सारे गोनैड्स होते हैं, और मायोटोम और गोनैड्स पैरेलली आपके बॉडी के दोनों तरफ सिचुएटेड होते हैं। ये बॉडी के इस तरफ, मतलब जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और बॉडी के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में भी सिचुएटेड होते हैं। तो आइए मायोटोम्स और गोनैड की पोजीशन को हम 3D देखते हैं अपने इस मॉडल में। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ मायोटोम्स। तो ये वी शेप में आपके ये, तो एक एक पर्टिकुलर एक एक सेगमेंट आपका, ये एक एक सेगमेंट आपका क्या कहलाएगा, मायोमियर कहलाएगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बीच में आपको इस तरीके से कुछ ये कुछ जुड़ती हुई दो, मतलब वी को जोड़ता हुआ बीच में ये एक रेखा जो है दिखाई दे रही, एक लाइन दिखाई देती है, जिसको हम लोग मायोसेप्टा बोलते हैं। तो दो मायोमियर आपके मायोसेप्टा से कनेक्टेड हैं। तो ये बीच की लाइन जो इसकी होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मायोसेप्टा। तो अपने फिगर में हम लोग ये मायोसेप्टा की पोजिशन देख लें, तो ये मायोसेप्टा, और ये ग्रीन कलर से न्यूमरस गोनैड्स जो मिड वेंट्रली, मैंने आपको बताया वेंट्रल की तरफ बीचों बीच थोड़ा सा लेटरल जो है ये बीचों बीच, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ गोनैड्स आर देयर विच इज ग्रीन इन कलर, नंबर ऑफ गोनैड्स आर देयर विच इज ग्रीन इन कलर, और ये आपके मसल के बैंड। तो आप देखेंगे ये बॉडी का अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो ये बॉडी के राइट हैंड साइड, दोनों तरफ आपके जो है वो मायोमियर्स की जो है मायोटोम्स की सिचुएशन है, और गोनैड्स जो है प्रेजेंट है दोनों तरफ, बॉडी के इस तरफ भी और बॉडी के इस तरफ भी। तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, जो है मायोटोम्स और गोनैड की सिचुएशन समझ में आई होगी। और गोनैड्स की जब बात हो रही तो मैंने आपको बताया कि सेक्सेस आर सेपरेट इन दिस एनिमल, इस एनिमल में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और जो भी आपका फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है सी वाटर में। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे बॉडी वॉल के बारे में। तो अगर हम इसकी बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल इसकी जो है वो प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट के जैसी होती है। इसमें जो इपिडर्मिस की लेयर होती है, इपिडर्मिस की लेयर केवल सिंगल लेयर होती है। अगर हम हायर कॉर्डेट्स या हायर वर्टिब्रेट की बात करें तो हायर वर्टिब्रेट्स में आपका जो इपिडर्मिस होता है वो जो है 3 से 4 लेयर 5 लेयर तक होता है। जैसे उसमें आपका स्ट्रेटम, कॉर्नियम, जर्मिनोसम, ये सारी लेयर वहाँ पे पाई जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें आपका ब्रैंकियोस्ट्रोमा में, तो ब्रैंकियोस्ट्रोमा में जो आपकी इपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर होती है, एंड द डर्मिस इज अब्सेंट। डर्मिस इज अब्सेंट, यहाँ पे आपका डर्मिस भी नहीं पाया जाता है, और इपिडर्मिस जो आपकी होती है वो सिंगल लेयर होती है। इसीलिए हम लोग इस एनिमल में सिंगल लेयर इपिडर्मिस की वजह से हम लोग कहते हैं कि इसकी जो इसका जो बॉडी वॉल है या जो इसकी इपिडर्मिस है वो आपके इन्वर्टिब्रेट एनिमल की तरह होती है। तो आइए हम बात करें अब आपका बॉडी वॉल। तो इसका बॉडी वॉल जो है वो डिवाइड होता है इपिडर्मिस, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्यूटिस एंड सब क्यूटिस लेयर में, 4 लेयर में डिवाइड होता है। सबसे पहली लेयर आपकी है
एपिडर्मिस लेयर। सबसे पहली आपकी एपिडर्मिस लेयर है। दूसरी लेयर की बात करें तो दूसरी लेयर आपका है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरी लेयर की बात हम करेंगे, तीसरी लेयर आपकी है क्यूटिस। और चौथी लेयर की बात हम करेंगे तो चौथी लेयर है आपकी सब क्यूटिस। पहले हम एपिडर्मिस लेयर की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर, सिंगल होती है। और जब ये एनिमल आपका लार्वा कंडीशन में होता है तो इन लार्वल कंडीशन इसमें जो है आपके या यंग कंडीशन में हम बात करें तो सीलिया पाए जाते हैं। और जैसे जैसे ये एनिमल ग्रो होता है और एडल्ट स्टेज में आता है आपके ये सीलिया जो है वो रिमूव हो जाते हैं। और ये जो है आपका इस पर एक हार्ड कवरिंग, हार्ड जो है लेयर पाई जाती है क्यूटिकल की। यहाँ पे आपका क्यूटिकल की लेयर डेवलप हो जाती है। और ये क्यूटिकल की लेयर जो है आपकी पूरी रेगुलर नहीं होती है, बीच बीच में जो है इसमें इस तरीके से स्पेस पाया जाता है, बीच बीच में ये स्पेसियस होता है। और इसी एपिडर्मिस की लेयर में अगर हम बात करें तो ग्लैंड सेल और कुछ आपके सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। तो ग्लैंड सेल का काम है आपका वो किसी भी तरीके का सिक्रीशन करना। अगर ये एपिडर्मिस की लेयर आपके जो है बॉडी के अंदर की तरफ होगी तो वो आपके कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगी, आपके जो है म्यूकस का सिक्रीशन करेगी। और जो सेंसरी सेल्स होती हैं ये जो है इनका काम होता है सेंसेशन, मींस जो है सेंस को रिसीव करना। आइए अब हम नेक्स्ट लेयर की अगर बात करें तो एपिडर्मिस इज रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपका एपिडर्मिस जिस मेम्ब्रेन पर रेस्ट करता है उसको हम लोग कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दिस ब्लैक कलर इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ठीक नीचे आपका थिन जो है लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग क्यूटिस लेयर बोलते हैं। और क्यूटिस लेयर के नीचे आपकी सब क्यूटिस लेयर पाई जाती है जो कि जिलेटिनस नेचर की होती है। और सब क्यूटिस लेयर में आपके जो है नर्व फाइबर्स की प्रेजेंस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दीज आर द नर्व फाइबर्स, और ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस होती है। तो ये ग्रीन कलर के ये जो ब्लड वेसल बनाए हैं मैंने, और आपके यहाँ पे नर्व विथ फाइबर जो है बॉडी नर्व की नर्व सेल्स जो है फाइबर्स के साथ इस तरीके से पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम क्यूटिस लेयर में बात करें तो क्यूटिस लेयर के ठीक नीचे आपका जो है वो ये गोल गोल इस तरीके के, ये क्योंकि हमने बॉडी वॉल को इस तरीके से टीएस कट किया है तो जो आपका मायोटोम्स थे वो मायोटोम्स की जो है ये सेल्स की जो है यहाँ पे कटी हुई दिखाई दे रही हैं। तो होप सो आपको ये जो है इसका मेम्ब्रेन ब्लड बॉडी वॉल समझ में आया होगा। दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। तो इसके बॉडी वॉल में चार तरह की लेयर पाई जाती है, पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरी लेयर क्यूटिस और चौथी लेयर सब क्यूटिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है इसीलिए हम इसको इन्वर्टिब्रेट का जैसे इसको हम लोग इन्वर्टिब्रेट के जैसे बोलते हैं। और जब एपिडर्मिस की लेयर आपके यंग स्टेज में होती है तो इस पे सीलिया पाए जाते हैं, और धीरे धीरे आपके एडल्ट स्टेज में आने पर ये सीलिया रिमूव हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूटिकल की लेयर में। ये यहाँ पे मोटी हार्ड कवरिंग जो है क्यूटिकल की पाई जाती है। एपिडर्मिस में ही आपके ग्लैंड सेल और सेंसरी सेल पाए जाते हैं। एपिडर्मिस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक नीचे थोड़ी सी थिन जो है रफ मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग क्यूटिस लेयर बोलते हैं। और क्यूटिस मेम्ब्रेन के ठीक नीचे थोड़ी सी थिक मोटी जिलेटिनस लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग सब क्यूटिस बोलते हैं। और सब क्यूटिस में आपके ब्लड वेसल्स, ब्लड फाइबर जो है आपके नर्व फाइबर्स और नर्व सेल्स पाई जाती हैं। तो होप सो आपको बॉडी वॉल समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो नेक्स्ट इज मसल या मस्कुलेचर। तो आइए हम मसल्स की बात करें। तो मैंने आपको जब बताया था तो मैंने बोला था आपको कि ये एनिमल काफ़ी ट्रांसपेरेंट और थिन होता है। तो ट्रांसपेरेंट का मीन्स आपका ये इसके आर पार देखा जा सकता है। तो जब आपने इस एनिमल को देखा शुरुआत में, जब जो फिगर मैंने बनाया था तो उसमें आपने देखा कि जो हमारा मस्कुलेचर है वो हमें बाहर से ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो आपका सब क्यूटिस के नीचे इस तरह की जो सेल्स की कट में जो सेल्स आई है ये इस तरीके से वी शेप में आपके जो है मस्कुलेचर है जो कि आपके वी शेप में पाए जाते हैं। और एक एक मसल को हम लोग एक एक मसल के बंडल को हम लोग मायोटोम बोलते हैं। और एक एक मसल के सेल को, ये देखिए एक एक सेल से जो है आपका एक एक मसल निकला हुआ है, एक एक मसल के बंडल को हम लोग मायोटोम बोलते हैं। और इसके बीच में मायोटोम को जोड़ने वाली जो ये लेयर पाई जाती है, जो ये सेप्टा पाया जाता है, इसको हम लोग मायोसेप्टा बोलते हैं। तो इस तरीके से बॉडी वॉल के बाद आपका मसल,
मसल्स, और मसल्स के बाद तीसरी लेयर की अगर हम बात करें तो पेरिटोनियम। तो जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन इसके अंदर की तरफ होंगे, मसल्स के बाद की जो कवरिंग होती है उसे हम लोग पेरिटोनियम की कवरिंग बोलते हैं। तो होप सो आपको बॉडी वॉल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलेटन के बारे में। तो आपको पता है इसमें कोई ऐसा जो है एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। एक्सकेलेटन में केवल आपका जो नोटोकॉर्ड है, दैट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल एंड, वो आपका एक हार्ड जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। और इसके रोस्ट्रम वाले रीजन में, यानी सिफेलिक रीजन में ही नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से हम लोग इसको सिफेलोकॉर्डेटा जो है, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो इस एनिमल का बक्कल सीरी होता है, या बक्कल जो है आपका इस तरीके से जो ओरल हुड होता है जहाँ पे आपका माउथ प्रेजेंट होता है, तो इसके चारों तरफ जो है ये स्केलेटन पाया जाता है, जिसे हम लोग बक्कल स्केलेटल जो है कहते हैं, या इसे हम लोग ओरल हुड कहते हैं। ये भी काफ़ी हार्ड होता है स्केलेटन। नेक्स्ट हम बात करें अदर स्केलेटन की, तो जो आपका फेरिंजियल रॉड्स है, वो भी फेरिंजियल रॉड आपका जो है स्केलेटन में आता है। इसके बाद आइए हम लोग इसी समय बात कर लें सीलोम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिफेलोकॉर्डेट्स हमारे एनिमल हैं, ये इंट्रोसीलस नेचर के होते हैं। इनकी जो सीलोम की ओरिजिन होती है वो इंट्रोसीलस नेचर की होती है। अब इंट्रोसीलस ओरिजिन के बारे में प्लीज़ आप प्रीवियस सीलोम वाले वीडियो में जाएं, और वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बताया है, वहाँ से आप इंट्रोसीलस ओरिजिन को देख लें। इंट्रोसीलस ओरिजिन का मतलब होता है कि गट की पाउचिंग से, मतलब गट से ही कुछ सेल्स फूल करके, और फिर जो है जो वहाँ पे सीलोम का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग इंट्रोसीलस सीलोम बोलते हैं। और इस एनिमल में ब्रैंकियोस्टोमा में ड्यू टू द ओवर डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम के ओवर डेवलपमेंट की वजह से आपका जो सीलोम है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। तो एट्रियम की तरफ सीलोम थोड़ा रिड्यूस है, और पीछे की तरफ हम बात करें तो लिटिल बिट जो है सीलोम जो है थोड़ा बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें बात कर लें तो एट्रियम कैविटी की। तो मैंने आपको बताया एट्रियम कैविटी का मतलब आपका फेरिंग्स रीजन। तो आपका माउथ रीजन से पानी इंटर करता है फेरिंजियल रीजन में, फेरिंग्स रीजन में, और फेरिंग्स रीजन से ही जो है वो पानी जो है आपका गिल स्लिट से होता हुआ एट्रियम में भरता है, एट्रियम से होता हुआ फिर पानी एट्रियोपोर से बाहर चला जाता है। होप सो आज आपको आज का मॉर्फोलॉजी का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तब वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि माउथ की पोजीशन क्या है, कैसे जो है आपका माउथ लीड करता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में, कैसे वहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी कम वाटर करंट से फूड को जो है लिया जाता है, फूड की करंट जो है वाटर की करंट को कैसे जनरेट किया जाता है, उसके बाद फूड ओएसोफेगस से जो है होता हुआ इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और कैसे वहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।